सर एक बड़ा सवाल मार्केट से आता है, ये मार्केट सवाल बेसिकली है कि ओके लाइफ पोस्टर वाली कंपनी है, यानी कि यहाँ पोस्टर आ जाते हैं प्रोडक्ट नहीं आते, तो सर इससे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कितने प्रोडक्ट्स आपने स्टार्ट किया था ये कंपनी शुरुआती दौर में, कितने प्रोडक्ट इस समय हैं, इससे थोड़ा सा एक मैसेज आई थिंक चला जाएगा। हमने 4 प्रोडक्ट से इस कंपनी को शुरू किया था। ओनली चार। क्या बात है। और आज हमारे पास शायद 225 के करीब प्रोडक्ट हैं। और कमाल की बात यह है कि जब लॉकडाउन आया था 2020 मार्च, तो उस समय हमारे पास जो प्रोडक्ट रहे होंगे वो रहे होंगे 75 या 80 प्रोडक्ट्स। यस ऑलमोस्ट मैं था उस समय, तो मुझे 75-80 प्रोडक्ट रहे होंगे। बिल्कुल। और पिछले 2 साल में जिसमें लॉकडाउन भी रहा है सब कुछ रहा है, तो हमने ऑलमोस्ट 140-150 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। यस, तो 140-150 प्रोडक्ट जो आए हैं वो शायद पोस्टर से ही बाहर आए। और अब कुछ लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट पोस्टर आया तो 4 दिन में आना चाहिए। जी, ऐसा नहीं होता है। कुछ 6 महीने में आते हैं, कुछ 2 दिन में आते हैं, कुछ 1 साल में भी आते हैं, कुछ 2 साल में भी आते हैं। आपका फ्यूचर प्लानिंग है कि हम इसे सेगमेंट पे जाएंगे। लोगों को लगता है कि ये तो कल ही आना चाहिए, पोस्टर आ गया तो कल ही आना चाहिए। इट मीन्स हम टारगेट कर रहे हैं। आज मुझसे कोई पूछ रहा है कि हेल्थ सक्ली उसमें आप स्पॉट न्यूट्रिशन में, यस वी आर प्लानिंग। आज मुझसे कोई पूछे पिकल्स में, यस वी आर प्लानिंग। और ये बहुत आप पिछले 3 महीने को देख लीजिए, पिछले 3 महीने में लगभग 10-12 प्रोडक्ट एवरी मंथ लॉन्च हुए हैं। तो ऐसे में लोगों को कुछ ना कुछ तो बोलना है। जब वो आपके प्राइस के बारे में नहीं बोल पाएंगे, आपकी क्वालिटी के बारे में नहीं बोल पाएंगे, जब आपकी एथिक्स के बारे में नहीं बोल पाएंगे, जब आपकी पॉलिसीज के बारे में नहीं बोल पाएंगे, जब वो आपकी ट्रेनिंग के बारे में नहीं बोल पाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो वो ढूंढ निकालेंगे। साहब श्री राम भगवान के खिलाफ भी कुछ ना कुछ धोबी ने ढूंढ ही लिया था कि क्या बोलना है। तो ढूंढा तो हमेशा जाएगा और आपको उस चैलेंज को फेस करना ही। क्वालिटी को हमने बेस्ट टू बेस्ट रखने का प्रयास किया और पैकेजिंग बहुत इंटरनेशनल रखा है, यानी पैकेजिंग क्वालिटी को हम इंटरनेशनल रखने का हमने प्रयास किया, लेकिन प्राइस बहुत सस्ते हैं कंपेयर टू यदि क्वालिटी पैकिंग जो मार्केट में वैसे कंपेयर करें तो। और बाद में जियो जैसा काम करेंगे कि जब मार्केट जब कोलैप्स, कुछ छोटी मोटी कंपनियां बंद हो जाएंगे, फिर अपना दाम आप इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे फिर से। तो जब ऑलरेडी मार्केट में बड़े से बड़े प्लेयर इस पॉलिसी को अपनाते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने भी अपना लिया, तो इसमें क्या गलत है?